अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग सब, क्या हो रहा है। सो आज हम करने जा रहे हैं टिक्का पार्टी। सो बारबेक्यू टुनाइट है। सो इसके लिए मैंने लिया है 4 kg, मेरे पास हैं बोटियां जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की तरह कट कर लिया है, और उसमें मैंने लगा लिया है कच्चा पपीता। तो देख सकते हैं आप लोग, कच्चे पपीते का पेस्ट जो है मैंने लगा लिया था, और आधे से पौने घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया है। अच्छी तरह से गोश्त को वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमें क्यूब्स में बोटियाँ बनानी है, उसके बाद कच्चा पपीता लगाना है और मैरिनेट करके आधे से एक घंटे के लिए छोड़ देना है। छोड़ दिया, उसके बाद अब बारी आ जाती है मसाला लगाने की। सो मसाला लगाएंगे। सो स्टेप नंबर 1 कच्चा पपीता। नाउ स्टेप नंबर 2 मसाला लगाएंगे हम। मसाले में मैंने डाला है, सबसे पहले ये मैं इसके ऊपर डाल ली हूँ कचरी पाउडर 3 चम्मच भर के। इस तरह मैंने डाला है कचरी पाउडर, कच्चा पपीता भी डालना है और कचरी पाउडर भी डालना है। सो कचरी पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर 3 चम्मच, ये बड़े वाले भर के जो हमारे सालन का चमचा है। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल ली हूँ बोटी मसाला, खुला हुआ जो बोटी मसाला बाहर का मिलता है वो, याद रखिएगा खुला हुआ बोटी मसाला, वो मैंने लिया है और वो मैंने इसके अंदर डाला है 4 चम्मच भर कर। 4 चम्मच भर के इस तरह से, ये सालन वाला चमचा, 4 चम्मच भर के मैंने बोटी मसाला लिया है। नाउ इसके अंदर मैंने डाला है ये तंदूरी मसाला, 1 चम्मच हमने इसके अंदर ऐड किया है तंदूरी मसाला, और 1 चम्मच ऐड किया है टिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, मैंने शान का यूज़ किया है टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला। 1-1 चम्मच टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला और बाहर का खुला हुआ बोटी मसाला 4 चम्मच। उसके बाद हम घर के मसाले ऐड करेंगे। उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और 3 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे, 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 3 चम्मच हमने इसके अंदर डाला है धनिया ज़ीरा रोस्टेड, धनिया ज़ीरा मेरे पास भुना हुआ है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। नाउ हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच, और 2.5 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आप ले लें, 3 चम्मच जो है हमने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। नाउ ऐड सम सॉल्ट। सॉल्ट हम जो है वो हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे, क्योंकि टिक्का मसाला और जो हमारा बाहर का बोटी मसाला है उसके अंदर भी नमक होता है। सो बी केयरफुल, सॉल्ट जो है वो आप लोग टेस्ट करके ऐड कीजिएगा। मैंने जो है हाथ से अपने हिसाब से डाल दिया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मेरे पास है अदरक लहसुन और ग्रीन चिली पेस्ट, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। नाउ ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 चम्मच भर के चाइनीज़ सॉल्ट, अजीनो मोतो जिसे कहते हैं, चाइनीज़ सॉल्ट मैंने ऐड किया है 2 चम्मच भर के। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास है सिरका, सिरका भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून भर के, जो है मैं सिरका भी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो अजीनोमोटो हमने ऐड किया है, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चाट मसाला 2 चम्मच भर के, मैंने इसके अंदर ऐड किया है चाट मसाला ऐड किया, अजीनोमोटो ऐड किया, मसाले ऐड किए। अब हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन और ग्रीन चिली पेस्ट। अदरक लहसुन में मेरे पास हरी मिर्चें पिसी हुई हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो 4 चम्मच भर के, 4 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर ये अदरक लहसुन और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये मेरे पास है बलाई। बलाई आप लोग की फ्रिज में जो जमा हो जाती है, जो हमारी दूध की बलाई है, वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। मेरे पास जितनी थी मैंने ऐड कर दी है। सो आप लोग के पास जितनी रखी हो, 1/2 बाउल या 3 चम्मच, 4 चम्मच, जितना भी हो आप बलाई इसके अंदर ऐड करें। सो बहुत ही कोई मज़े का टेक्स्चर आता है। नाउ 2 पिंच ऑफ मैंने इसके अंदर ऐड किया है जर्दी का रंग ऐड किया है। उसके बाद ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका मेरे पास है 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच भर के मैं इसके अंदर सिरका ऐड कर रही हूँ। सो सिरका ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है 3-4 चम्मच भर के, अब मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल। ये मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया है, 4 चम्मच भर के मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर गया।
उसके बाद हम इसको अच्छे से करेंगे मैरिनेट। अच्छे से हमें मिक्स करना है खूब अच्छी तरह कि सारी हमारी बूटियों पे मसाला लग जाए। सो अच्छी तरह से ऐड करेंगे। अच्छी तरह से ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद, उसके बाद हम इसको रख देंगे होल नाइट के लिए। होल नाइट के लिए जब हम इसको रख देंगे, उसके बाद जिस नेक्स्ट डे हमें बारबेक्यू करना है, सो नेक्स्ट डे जब हम बारबेक्यू करेंगे, तो बारबेक्यू करने से पहले आधा घंटा पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। तो अच्छी तरह से मैंने देखें इसको मिक्स कर दिया, एक एक बोटी में मसाला जो है वो अच्छे से लग चुका है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा सारे मसाले। और बीच बीच में जब वो एप्पल दिखा रही थी, वो मेरी बेटियाँ हैं तो शरारती हैं ना ज़रा, उनको पता है मम्मा रेसिपी रिकॉर्ड कर रही हैं, तो वो बीच में जो है अपना एप्पल दिखा रही थी कि हम एप्पल खा रहे हैं। सो अच्छे से ये मेरा मसाला बूटियों पे लग चुका है। सो इट्स डन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये देखें ज़रा, सेकंड नाइट जो है मैंने निकाली इसको फ्रिज से, अच्छे से इसमें मसाला चढ़ चुका था। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है दही। दही मैंने लिया है पूरा एक पाव दही, वन बाउल दही ले लें या एक पाव, मैंने एक पाव दही पूरा इसके अंदर ऐड किया है। सो बारबेक्यू करने जा रहे थे उससे आधा घंटा पहले मैंने इसके अंदर दही डाल दिया, और दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से किया मिक्स। अच्छे से मिक्स करेंगे दही डालने के बाद। दही डालना मत भूलिएगा, बारबेक्यू करने से पहले हमें दही ज़रूर ऐड करना है। सो अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और छत पे अब हम आ चुके हैं और हमारी बारबेक्यू स्टिक्स रखी हैं देखें। और ये मेरा बोटियों का पतीला, अब मैं जो है वो बोटियाँ अच्छे से लगा रही हूँ सीखों में। और उसके बाद बच्चे हैं सब ऊपर छत पे, और हबी जो है वो सेक रहे हैं बोटियाँ मज़े से। तो ये देखे ज़रा, थोड़ी बहुत जो है स्टिक्स हमने रख दी थी, थोड़े बहुत कोयले जो है वो जल रहे हैं। तो अच्छे से हम बारबेक्यू कर रहे हैं। बहुत ही कोई ज़बरदस्त बनी थी, और एकदम सॉफ्ट और बहुत ही कोई अच्छी, एकदम गल गई थी बिल्कुल बाहर जैसी। तो ज़बरदस्त सा हमारा बारबेक्यू रेडी है। थोड़े थोड़े हल्के हल्के कोयलों पे हम इसको सेक लेंगे अच्छे से। अच्छा, अगर आप लोग कोयले पे नहीं सेक सकते हैं या बारबेक्यू नहीं करना चाह रहे, तो आप ऐसे ही एज इट इज़ बोटियों में मसाला लगाएं और आप उसको पतीले में डालें, और उसके अंदर 3 से 4 चम्मच आप तेल डालें और पतीले में उसको एज इट इज़ रख दें। कोई पानी वानी आपको ऐड नहीं करना है, और बिल्कुल जो है वो चूल्हे की आँच जो है वो स्लो कर दें, तो उसी में जो है आपकी वो बोटियाँ अच्छे से पक जाएंगी और ऊपर से कोयले का धुआं दे दें। सो पतीले में भी आपको बिल्कुल बारबेक्यू जैसा फ्लेवर आएगा, और बारबेक्यू की तो फिर बात ही अलग है कोयले पे सेकने की। तो कोयले पे जो अच्छे से बोटियाँ सिक चुकी हैं, देख सकते हैं ज़बरदस्त सा ऑरेंज कलर आ गया है, और जो ज़बरदस्त सा हमारा बारबेक्यू रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में कोई अच्छी सी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।